बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा वाली कहावत यह चितार्थ होती दिखाई दे रही है, जब एक हत्यारे ने पुलिस को एक महीने तक उलझाए रखा। गिरफ्तारी से बचने के लिए और शक के घेरे में ना आने के लिए आरोपी काटता रहा थाने के चक्कर। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार थाना क्षेत्र में हुई चौकीदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बीते 15 सितंबर की रात को किशोरी लाल, जो कि एक मछली पालन तालाब पर चौकीदारी करता था, आरोपी युवक ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने हत्या आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर चौकीदार की हत्या का खुलासा किया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू व मोबाइल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि तालाब पर सो रहे चौकीदार की हत्या की ये घटना बीते 15 सितंबर की है। पुलिस के मुताबिक हत्या आरोपी अंकित के पिता ओम प्रकाश ने अपनी जमीन किशोरी लाल और अशोक कातिब के कहने पर एक एवं नशे में पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे बेच दी थी। यह बात अंकित को बुरी लगी और वह अपने पिता से झगड़ा करने लगा। अंकित को यह एहसास होने लगा कि हमारी जमीन किशोरी लाल और अशोक कातिब ने बिकवाई है, इसी का बदला लेने के लिए उसने हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया। आपको बताते चले कि आरोपी अंकित नशे का आदि है, इस कारण उसने चौकीदार किशोरी लाल की हत्या को अंजाम दिया। इस घटना के बाद आरोपी दो अन्य लोगों की भी हत्या की साजिश रच रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात उदय शंकर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये युवक घटना वाले दिन से पुलिस के संपर्क में था और लगातार थाने के चक्कर भी काट रहा था, जिससे उस पर किसी को शक ना हो। आरोपी युवक को उसके पिता ने गोद लिया था, जिसके बाद वह गलत संगत में पड़ गया। बीते दिनांक 15 सितंबर को रात्रि के समय थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत रमनावाला गांव की सीमा के तहत एक तालाब के किनारे चौकीदारी कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्या अज्ञात में कायम हुआ पुलिस के लिए कड़ी चुनौती थी, इसके कोई लिंक नहीं मिल पा रहे थे और उक्त हत्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए इसमें थाना पुलिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है। अंकित नामक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल था वह भी बरामद किया गया है। हत्या की प्रमुख वजह अभियुक्त के पिता की जमीन का बेचा जाना, मृतक और अभियुक्त के पिता का एक दूसरे का दोस्त होना और अभियुक्त के पिता से बात करके उसकी जमीन को समय समय पर बिकवाता रहा है, जो हत्या का प्रमुख कारण बना। सर, इसमें ये भी माना जा रहा है कि ये दो हत्याएं और कार्य करने वाला था, उससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया, क्या है सर? ये नशे का आदि है, सुल्फा इत्यादि पीता है। इसमें जो इसकी जमीन इसके पिता ने बेची है या बैनामा की है, वह जमीन के कागजात लिखने का कार्य अशोक कातिब नाम के एक व्यक्ति हैं जो नोटरी का भी काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये लिखा पढ़ी की जाती रही। तो इसने उनको भी उसकी जमीन बिकवाने में एक प्रमुख भूमिका होना माना है, इस कारण उनकी भी हत्या की योजना ये बना रहा था। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक बाबा रहते हैं जिनके यहाँ ये सुल्फा पीने के लिए जाया करता था और वो मना कर दिया करते थे, जिसके कारण उनसे भी ये रंजिश रखने लगा और पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि भविष्य में उनको भी मारने की योजना इसके दिमाग में चल रही थी। कितना पढ़ा लिखा है सर, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और क्या फैक्चुअल? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, ये गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया और चूंकि ये एक एडॉप्टेड पुत्र के रूप में लिया गया था जो इसके पिता हैं, इसको कहीं से ले आए थे और इसको अपने दत्तक पुत्र के रूप में रखा हुआ था, लाड़ प्यार में यह बिगड़ गया रास्ते से और इसके दिमाग में आपराधिक मानसिकता
पैदा हुई। सर LLB कर रहे हैं या कर चुके हैं? ये अभी कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।